like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में आपने देखा, ब्लैक ऑर्डर ने अर्थ पर इसलिए अटैक किया था क्योंकि उन्हें पता था कि अर्थ के हीरोज अर्थ से दूर हैं। द पीक पर अब थैनोस की फोर्स का कब्जा है, बिल्डर्स मारे जा चुके हैं और अब हमारे हीरोज अर्थ को बचाने वापस आ रहे हैं। दूसरी तरफ इल्यूमिनाटी वकांडा में थैनोस की आर्मी से निपट रहे हैं और ऑरोलान में थैनोस अपने बेटे से मिल चुका है। वकांडा से आयरन मैन कैप्टन से पूछता है कि क्या आप सब ठीक है, जिस पे कैप्टन कहते हैं कि हाँ, अब यूनिवर्सल नेट वापस आ चुका है और अब हम अर्थ आ रहे हैं थैनोस से निपटने। तब आयरन मैन बताता है कि हम लोग वकांडा में हैं, पर थैनोस किसी दूसरी जगह है, तो तुम लोग वहाँ जाना। तब कैप्टन बोलते हैं कि बिल्कुल, पर उससे पहले हमें अर्थ के बाहर के ब्लॉकेट का सामना करना पड़ेगा। तब टोनी कहता है कि बिल्कुल, जिसके बाद वो साइन आउट कर देता है। अर्थ के मून के पीछे कैप्टन एक पूरी फ्लीट के साथ आगे अटैक करने के लिए प्लान सेट कर रहे होते हैं। तब ओरेकल कैप्टन को बताती है कि आपके सोल्जर्स द पीक में घुस चुके हैं, जिस पे कैप्टन कहते हैं कि वो लोग पीक के अंदर से उनके डिफेंस सिस्टम को बंद करेंगे। तो अगर उन लोगों ने अंदर पहुंचने का सिग्नल दे दिया है तो फिर अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। तब कैप्टन पूरी फ्लीट के साथ आगे बढ़ते हैं। द पीक के अंदर ब्लैक ड्वार्फ होता है, जिसको उसके सोल्जर्स बताते हैं कि उन पर हमला हुआ है। तब ब्लैक ड्वार्फ उन सोल्जर से पूछता है कि क्या हमारे हथियार रेडी हैं, जिस पे वो सोल्जर बोलता है कि हाँ, हम रेडी हैं। तब ब्लैक ड्वार्फ कहता है कि ठीक है, फिर जैसे ही वो लोग रेंज में आए उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देना। और यही होता है, जैसे ही कैप्टन की फ्लीट द पीक के फायरिंग रेंज में आती है वैसे ही दोनों तरफ से हैवी फायरिंग शुरू हो जाती है। तब ओरेकल मैजिस्टर को फायरिंग जोन के हालात बताती है, जिसपे मैजिस्टर उन लोगों को इंपीरियल गार्ड्स को आगे भेजने को कहता है। और तब कैप्टन बोलते हैं अवेंजर्स असेंबल, और तब शियार के इंपीरियल गार्ड्स एवेंजर्स के साथ आगे बढ़ते हैं। द पीक के अंदर से मैनिफोल्ड और बाकी हीरोज बोलते हैं कि वो लोग अंदर घुस चुके हैं। तब कैप्टन उन्हें आगे बढ़ने को कहते हैं और उनके आगे बढ़ते ही कैप्टन अमेरिका कैप्टन मार्वल के साथ अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। और तब जाते जाते कैप्टन क्लर्ट और बाकी गैलेक्टिक काउंसिल लीडर्स को थैंक्स बोलते हैं, जिसपे क्लर्ट बोलता है कि हमें थैंक्स तब बोलना जब हम इस थैंक्स को कमाएंगे। इन सारी एफर्ट्स का क्या फायदा अगर हम सब हार ही जाएंगे, तो अपने थैंक्स को बचा के रखो तब तक जब तक हम अपने दुश्मनों की बॉडीज पर ना खड़े हों। द पीक के अंदर से ब्लैक विडो शैंक्ची और मैनिफोल्ड के साथ आगे बढ़ते हुए बोलती है कि हम इस कमांड लेवल का एक्सेस हासिल कर ही लेंगे। पर अगले ही पल ब्लैक विडो पर कोई अटैक कर देता है और तब वो तीनों अपने सामने देखते हैं ब्लैक ड्वार्फ को। और तब ब्लैक ड्वार्फ और उसकी आर्मी उन तीनों पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर उन दोनों की लड़ाई के बीच मैनिफोल्ड तुरंत अपने आप को वहां से टेलीपोर्ट करता है। और तब वो आता है गैलेक्टिक काउंसिल लीडर्स के पास, जिन्हें वो बताता है कि द पीक में उन पर थैनोस के एक जनरल ने अटैक कर दिया है, अब हम क्या करें। तब हम देखते हैं घायल ब्लैक विडो और ब्लैक ड्वार्फ के आगे चोट खाए शैंक्ची को। ब्लैक ड्वार्फ शैंक्ची से बोलता है कि अब तुम मरोगे इंसान, तो अलविदा। पर अगले ही पल ब्लैक ड्वार्फ पर कोई हमला करता है और तब हम देखते हैं मैजिस्टर और बाकी गैलेक्टिक काउंसिल के लीडर्स को, जो कि ब्लैक विडो और बाकी दोनों एवेंजर को कहते हैं कि आगे बढ़ो और अपना काम करो, इसे हम देख लेंगे। तब ब्लैक ड्वार्फ और काउंसिल के लीडर्स के बीच लड़ाई शुरू होती है। मैजिस्टर अपने एक पंच में ब्लैक ड्वार्फ का हथियार तोड़ देता है, पर ब्लैक ड्वार्फ भी उन सबको एक अच्छी टक्कर दे रहा होता है। पर तभी रोनन आगे आता है और मौका देखते ही वो अपना जजमेंट सुनाता है और तब ब्लैक ड्वार्फ मारा जाता है। तब मैजिस्टर कहता है कि अब हमें बस बाकी पायरेट शिप को भगाना है जब तक एवेंजर्स अर्थ को थैनोस से आजाद करेंगे। अर्थ के बाहर के स्पेस की हैवी फायरिंग से निकलते हुए एवेंजर्स अर्थ पर पहुंच ही जाते हैं। तब कैप्टन अपने साथियों के साथ उतर के उन सबको बताते हैं कि हम यहाँ सही सलामत पहुंच तो गए हैं, लेकिन हम टारगेट एरिया से दूर हैं, पर हम घर तो पहुंच ही गए हैं। तब हल्क, थॉर, हाइपेरियन, कैरल और कैप्टन अमेरिका अर्थ की तरफ देखते हैं। तब कैप्टन आगे बताते हैं कि टारगेट एरिया यहाँ से थोड़ा ही दूर है, जिसपे हाइपेरियन बताता है कि मैं देख सकता हूँ वहाँ 5 लाइफ फॉर्म हैं, जिनमें से एक किसी फील्ड में कैद है। तब कैप्टन आगे बोलते हैं कि ठीक है, फिर हल्क पहले वहाँ पहुँच के उन सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा
और तब हम पीछे से आएंगे। तब थॉर हल्क से कहता है कि कुछ एक्शन मेरे लिए भी बचा के रखना, और ऐसा सुनते ही हल्क वहाँ से निकल जाता है। अर्थ के बाहर इंपीरियल गार्ड्स स्पेस पायरेट्स का सामना कर रहे होते हैं, जो कि वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे होते। दूसरी तरफ वकांडा में ब्लैक पैंथर और बाकी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थैनोस के सोल्जर्स को ढेर कर चुके होते हैं। तब आयरन मैन उस एंटी मैटर बॉम्ब का चेंबर खोलता है, जहाँ वो लोग देखते हैं ब्लैक बोल्ट को सुपर जायंट की कैद में। सुपर जायंट इल्यूमिनाटी को देख के ब्लैक बोल्ट से कहती है कि बताओ अपने दोस्तों को कि वो लोग लेट है कि नहीं, और अगले ही पल ब्लैक बोल्ट उन सबकी तरफ जोर से चिल्लाता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज हार नहीं मानते और तब वो अपने मैजिक का यूज करके आगे बढ़ते हैं। ऑरोलान में कॉर्वस थैनोस को बताता है कि ब्लैक ड्वार्फ और बाकी एजेंट से हमारा कॉन्टैक्ट टूट चुका है, अब हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। जिसपे थैनोस कहते हैं कि तुम्हें केओस पसंद है कॉर्वस, क्योंकि मुझे है। पर इससे पहले थैनोस आगे कुछ बोलता, वो अपने सामने देखता है हल्क को, जो कि चिल्लाते हुए थैनोस के पास आता है, पर थैनोस अपने एक पंच में हल्क को दूर फेंक देता है। और तब थैनोस ब्लैक ऑर्डर से कहता है कि इस बीस्ट को खत्म करो। तब प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव आगे बढ़ते हैं, और अगले ही पल कॉर्वस हल्क पर अपने स्पीयर का यूज करता है, और तब वो उसे बताता है कि उसका स्पीयर एक तारे से फॉर्ज हुआ है, जिसको उसके मास्टर ने उसे दिया, और अब वो उस स्पीयर को हल्क को दे रहा है। हल्क एक स्टार के वेट के नीचे दबा हुआ होता है, पर अगले ही पल हम देखते हैं कैप्टन की शील्ड को कॉर्वस के मुंह पर लगते हुए, और तब थैनोस और ब्लैक ऑर्डर देखते हैं एवेंजर्स को। वहाँ पहुँचते ही हाइपेरियन प्रॉक्सिमा से कैप्टन कॉर्वस से और थॉर थैनोस से लड़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ नेक्रोपोलिस में डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे तैसे ब्लैक बोल्ट का सामना कर रहे होते हैं, जो कि कंट्रोल में होता है सुपर जायंट के, पर अगले ही पल रीड का हाथ ब्लैक बोल्ट के मुंह पर होता है, और तब हम देखते हैं रीड को सुपर जायंट और ब्लैक बोल्ट को लपेटते हुए। तब रीड ब्लैक पैंथर को रंबलर यूज करने को बोलता है, जिसपे ब्लैक पैंथर बोलता है कि हमें भी इससे नुकसान होगा, पर रीड कहता है कि कोई बात नहीं, और अगले ही पल ब्लैक पैंथर उस रंबलर को यूज करता है, और तभी एक धमाका होता है जिससे सबको चोट आती है। तब सुपर जायंट वहाँ घायल पड़े ब्लैक पैंथर के पास आती है, जो कि उसे कहता है कि इस बॉम्ब को एक्टिवेट मत करो, इससे तुम भी मारी जाओगी। पर सुपर जायंट अपने मास्टर की बात याद रखते हुए अगले ही पल उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है। दूसरी तरफ ऑरोलान में एबनी मौत थाने को एवेंजर्स की तरफ देखने को बोलता है, जो कि उसकी आखिरी उम्मीद है। तब हम देखते हैं प्रॉक्सिमा को हल्क पर अपना हथियार यूज करते हुए, जिसकी वजह से हल्क वापस ब्रूस बैनर में बदल जाता है, और अगले ही पल प्रॉक्सिमा उसे एक जबरदस्त वार में दूर कर देती है। दूसरी तरफ थैनोस कैप्टन मार्वल और थॉर का सामना कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं प्रॉक्सिमा को अपना हथियार रेडी करते हुए, और अगले ही पल प्रॉक्सिमा अपने हथियार को जमीन पर दे मारती है, जिससे सारे हीरोज दूर जाके गिरते हैं, पर वो रुकते नहीं और वो सारे वापस खड़े होने की कोशिश करते हैं। वहीं पर मौत थाने को बताता है कि तुम हमेशा से अच्छे बनने का सपना देखते रहे और उम्मीद पर भरोसा करते रहे, पर सारी उम्मीदें थैनोस के आगे धरी की धरी रह जाती हैं। नेक्रोपोलिस में उस एंटी मैटर बॉम्ब के फुल्ली चार्ज होने के बाद सुपर जायंट उस बॉम्ब को डेटोनेट करने के लिए उसका ट्रिगर ढूंढने लगती है, पर तभी वो देखती है मैक्सिमस को उस ट्रिगर के साथ। सुपर जायंट मैक्सिमस से वो ट्रिगर मांगती है, पर मैक्सिमस मना कर देता है, और अगले ही पल वो उस ट्रिगर को दबा देता है। पर तभी सुपर जायंट अपने साइड में लॉकजॉ को देखती है, जो कि सुपर जायंट और उस बॉम्ब को किसी दूसरे प्लैनेट पर टेलीपोर्ट करके वहां से गायब हो जाता है, और अगले ही पल उस बॉम्ब के डेटोनेट होते ही सुपर जायंट उस प्लैनेट के साथ साथ खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ द पीक में ब्लैक विडो, शैंगची और मैनिफोल्ड थैनोस के सारे एजेंट्स को ढेर करके अपनी पोजीशन लेते हैं। तब स्टार ब्रांड ड्रैक्स के साथ पूरी लड़ाई के बीच में जाता है, और अगले ही पल वो अपनी पावर्स का यूज करके उन सारे पायरेट शिप्स को तबाह कर देता है, और स्पेस में एवेंजर्स फिर जीतते हैं। पर अभी एक जगह जीतना बाकी है। तब ब्लैक विडो आयरन मैन को उनकी जीत के बारे में बताती है, जिसपे आयरन मैन कहता है कि बहुत बढ़िया, अब जल्दी से सारी री इन्फोर्समेंट को वकांडा और न्यूयॉर्क भेजो, तब तक मैं ऑरोलान पहुंचता हूँ। ऑरोलान में थाने एबनी मॉ से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, कुछ अच्छा हमेशा होता है। तब हम देखते हैं प्रॉक्सिमा और हाइपेरियन को लड़ते हुए, पर तभी कॉर्वस हाइपेरियन पर पीछे से अटैक कर देता है। तब प्रॉक्सिमा कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल की तरफ बढ़ती है, और अगले ही पल प्रॉक्सिमा अपने स्पीयर को ट्राइडेंट बनाकर उन दोनों की तरफ फेंकती है। कैप्टन अपनी शील्ड से उस ट्राइडेंट के कुछ हिस्सों को डिफ्लेक्ट करते हैं, पर एक हिस्सा उनको छू के निकलता है और आगे जा लगता है कॉर्वस ग्लेव को। कॉर्वस उस हमले से खुद को संभाल नहीं पाता। तब हाइपेरियन कॉर्वस से कहता है कि यही तुम्हारा अंत है, जिसपे कॉर्वस कहता है कि तुम किसी को उस चीज से नहीं धमका सकते जिसकी वो कामना करते हो। पर अगले ही पल हाइपेरियन अपनी पूरी पावर कॉर्वस पर अनलीश करता है और बोलता है कि फिर तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। कॉर्वस के मरते ही प्रॉक्सिमा चिल्लाती हुई उसके स्पीयर के पास जाती है,
पर तभी कैप्टन मार्वल प्रॉक्सिमा पर अपनी पावर से अटैक करती है, पर इससे पहले वो उस पर अगला वार कर पाती, थैनोस पीछे से उस पर हमला कर देता है। तब थैनोस और प्रॉक्सिमा एक साथ खड़े होते हैं और तभी थॉर आगे आता है, जो कि अपनी पूरी ताकत से थैनोस पर अपनी बिजली गिरता है। इतने जबरदस्त झटके के बाद भी थैनोस ऊपर देख के बोलता है कि फिर से करो, और ऐसा ही होता है, पर थैनोस तब भी वहीं खड़ा होता है। लेकिन अगले ही पल थॉर का म्योनिर थैनोस के मुंह पर होता है। थॉर की बिजली थैनोस की ताकत के आगे होती है, पर तभी एबनी मॉ थाने को उसके कंटेनमेंट फील्ड से निकाल देता है, जिसपे थाने उससे पूछता है कि ऐसा क्यों किया तुमने। तब मॉ बोलता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ आखिरी बार कुछ अच्छा करने का, तुम सबको बचा सकते हो, पर इसके साथ साथ तुम वो भी बन जाओगे जिससे तुम भाग रहे थे, तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है लड़के, क्या तुम वो बनना चाहोगे जो तुम हो, क्या तुम थैनोस के बेटे हो। और तब थाने अपनी पावर्स यूज करता है ये बोलते हुए कि हाँ मैं थैनोस का बेटा हूँ, और तभी कुछ जबरदस्त होता है, जिसे देख के मॉ बोलता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि मौत से बदतर क्या होगा, पर आज मैंने देख ही लिया, तुम तो अपने पिता से भी महान निकले। तभी एक रोशनी चमकती है और अगले ही पल कैप्टन अमेरिका की आंखें खुलती हैं, जिसको उठाता है आयरन मैन। कैप्टन आयरन मैन से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने हमें बचाया, जिसपे आयरन मैन बताता है कि नहीं, ये थैनोस के बेटे के काम है, उसका बाया हाथ मौत है और उसका दाया हाथ मौत से भी बदतर, और उसने अपना दाया हाथ ही यूज किया। और तब हम देखते हैं प्रॉक्सिमा मिडनाइट और थैनोस को एक बड़े से कंटेनमेंट यूनिट में, जहां थैनोस जीते जी मरा हुआ था। हिमालय पर ब्लैकबोल्ट और मैक्सिमस मिलके लॉकजॉ के साथ आए हुए होते हैं। तब ब्लैकबोल्ट मैक्सिमस से वो कोडेक्स मांगता है, जिसपे मैक्सिमस कहता है कि सारे इनह्यूमन सोच रहे होंगे कि हम मर चुके हैं, पर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम ये कोडेक्स यहाँ क्यों छोड़ रहे हो, क्यों ये सब हो रहा है, क्यों तुमने अपनी सिटी सैक्रिफाइस करी। तब ब्लैकबोल्ट मैक्सिमस को चुप होने का इशारा देता है, जिसपे मैक्सिमस बोलता है कि अब मैं सब समझ गया भाई, तुम इनह्यूमन एज लाना चाहते थे, चाहे थैनोस आता या ना आता, तुम टेरिजन बॉम्ब को डेटोनेट करते ही। तब हम देखते हैं टेरिजेनेसिस में बदले हुए कई इनह्यूमंस को। दूसरी तरफ सारे सुपरहीरोज मिलके अर्थ को वापस जोड़ रहे होते हैं, पर सिर्फ अर्थ ही नहीं, स्वर्ग भी जुड़ रहा है। वाहन प्राइम पे सारे गार्डनर्स मिलके वापस लाइफ बना रहे हैं और उन वर्ल्ड्स को बनने में मदद कर रहे हैं जिन्हें बिल्डर्स ने तबाह किया था। शियार थ्रोन वर्ल्ड में मैजिस्टर ने फैसला लिया है अपने इंपीरियल गार्ड्स को बढ़ाने का। क्रीपर सुप्रीम इंटेलिजेंस ने भी अपने अक्यूजर्स को वापस एक्सेप्ट किया है। टार्नेक्स पर क्लर्ट को उन लोगों का राजा बना दिया गया है और एनहाइलस के ड्रोन्स ने नेगेटिव जोन से निकल के प्रैक्सिस 2 को अपना घर बना लिया है, और एबनी मॉ की देखरेख में थैनोस का बेटा वो अपने पिता से भी खतरनाक बनने जा रहा है। इन सबसे दूर इल्यूमिनाटी एक होते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी से पूछते हैं कि तुमने सबको क्या बताया, जिसपे टोनी कहता है कि मैंने उन सबको बोल दिया कि मैं सब संभाल लूंगा। तब बीस्ट कहता है कि वो लोग मान भी गए, जिसपे तचाला कहता है कि क्यों नहीं मानेंगे। तब रीड बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, करंट एवेंजर टीम उम्मीद पैदा करेगी और हम लोग वो करेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। तब नेमर कहता है कि लोग मारे गए हैं इसी उम्मीद में, हमारी दुनिया मर रही है, इसके बारे में हम क्या करेंगे। तब टोनी कहता है कि हम लड़ते रहेंगे, चाहे इसमें हमारी खुद की ही जान क्यों ना चली जाए, हम सारे टूल्स इकट्ठा करेंगे और तैयारी करेंगे उसकी जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा ही ना हो। तो गाइज ये थी इन्फिनिटी, एक कम्प्लेक्स अनस्टेबल और कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन, जिसमें एक बार में कई सारी चीजें एक साथ हो रही थी। इस स्टोरी लाइन में हमारे हीरोज अलग अलग बटे हुए थे। कैप्टन के साथ वाली टीम एवेंजर्स की टीम थी, बल्कि टोनी के साथ वाली टीम न्यू एवेंजर्स थे। एवेंजर्स बिल्डर्स से निपट रहे थे और न्यू एवेंजर्स थैनोस से, और ये सब एक हो रहे थे इन्फिनिटी पे। मैंने जब पहली बार ये कॉमिक पढ़ी तब मैं खुद बहुत कंफ्यूज था कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली स्टोरी लाइन नहीं पढ़ी थी। पर जब मैंने उस कॉमिक पर वीडियो बनाना शुरू किया तो कई सारी चीजें तब मेरी समझ में आई, जिससे ये पता चला कि जब हम दूसरों को कुछ बताते हैं तब हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ये स्टोरी लाइन अभी भी आप में से कई लोगों को क्लियर नहीं हुई होगी, पर इस स्टोरी लाइन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इसके डिटेल्स नहीं थे, बल्कि इस स्टोरी लाइन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे कुछ की मोमेंट्स। चाहे हम बात करें कैप्टन के जगह जगह लिए हुए स्ट्रॉन्ग फैसले, या हम बात करें कैप्टन यूनिवर्स और गार्डनर्स के रिलेशन की, या हम बात करें थॉर के खुद पर भरोसा होने की, ये स्टोरी लाइन हमें कई सारी चीजें सिखाती है। ये स्टोरी लाइन हमें बताती है कि हमेशा अच्छे की कामना करनी चाहिए, पर बुरे की तैयारी भी रखनी चाहिए। मुसीबत हमेशा एक तरफ से नहीं आती, मुसीबत समय देखकर नहीं आती, तो ये हमारा काम है कि हमें मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें अपने आप को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात ये है
कि हमें उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। तो गाइस आखिरकार मैं आपको ये स्टोरी लाइन बता ही पाया, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं कि इस सीरीज में आपका फेवरेट हीरो कौन सा था, और इन सब के ऊपर इस पूरी सीरीज में आपका जो भी फेवरेट एपिसोड हो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे कॉमिक रिलेटेड कंटेंट्स के लिए सुपर सुपर कॉमिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस। Superhero.